इस देह का नाम भी क्या देते भाई? लौकिक में बिहार से रहने वाला हूँ, ज्ञान में 2009 में आया। तो आइए सबसे पहले मैं अपना अनुभव शुरू करता हूँ। मैं पहले आरएसएस में था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक शाखा का मैं मुख्य शिक्षक था। 2009 में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ा, और जब मुझे परमात्मा का परिचय मिला तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पास तो स्वयं परमात्मा आए थे। मैंने संकल्प लिया कि इस विद्यालय को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। 7 days कोर्स मेरा चालू हुआ, और 7 दिन कोर्स के दरमियान भी दीदी ने कहा कि ये घर में झंडा तोलन है शिव बाबा का, आपको वहाँ पर आना है। वो हमारे आरएसएस के ही एक अधिकारी का घर था, और उनकी जो बहू थी वो ज्ञान में थी, तो मुझे वो घर देखा हुआ था। और जिनके माध्यम से मैं ज्ञान में आया था उनका नाम डॉक्टर सुमन था, वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, तो उनके साथ में गया था। पहली बार शिव बाबा का झंडा तोलन मैं देख रहा था कि भाई कैसे होता है। नीचे रंगोली बनी थी, बड़ा सा बांस था, एक लगभग 9 फुट या 10 फुट का एक पिलर था, उस पिलर के सहारे बांस बंधा हुआ था, और शिव बाबा का जो झंडा था उसमें फूल लगा कर के बंधा हुआ था। तो सभी ब्रह्मा वत्स आए और दीदियाँ भी आई, तो उन्होंने झंडा तोलन किया और पूरा चारों तरफ गोलार्ध में बीके भाई बहन थे। और जैसे ही झंडा तोलन हुआ तो पुष्प गिरे, पुष्प के साथ कुछ कागज के पुर्जे भी गिरे, शायद उस पुर्जे में वरदान लिखा हुआ था, तो सभी गिरा साथ में फूल के साथ, सभी चुनने लगे। फूल को लोग नहीं चुन रहे थे लेकिन उस कागज के पुर्जे को सभी चुन रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला ये क्या चुन रहा है, और उन्होंने भी चुन कर लिया था, ये क्या है, मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा कि वरदान है। मैंने बोला ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि परमात्मा आपके विषय में क्वालिटी को बतलाते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। मैंने कहा अरे वाह, भगवान मेरी क्वालिटी को बताएगा, इससे तो बड़ा सौभाग्यशाली बात क्या होगी। तो मैं भी गया लेने के लिए, परंतु एक ही बचा हुआ था, और एक बहन वो बहुत जल्दीबाजी में आई और तुरंत उठाकर भाग गई, मेरे लिए बचा ही नहीं। मैं फिर इधर उधर ढूंढना, एक भी नहीं था। और फिर सभी तो सीढ़ियाँ उतर कर छत से नीचे जाने लगे, और मुझे उस कार्यक्रम की जितनी खुशी थी उतना ही दुख होने लगा कि भगवान मेरे विषय में बतलाता और वो मुझे मिल नहीं पाए। सबको मिला, देखो सब पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे को सुना रहे, बहुत खुश हैं, और मैं ऐसे। फिर सभी नीचे आए और सभी जाने लगे, तो उसकी छत के ऊपर एक वाटर टैंक था जो ओवरफ्लो हो गया था और पानी गिर रहा था नीचे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऊपर इसका कनेक्शन है, अब जाइए बंद करके आइए। मैं तो यही सोच रहा था कि कोई बहाना मिले ऊपर जाने का और मैं वरदान ढूंढूं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि बाबा ने मेरे लिए एक वरदान जरूर रखा होगा। तो मैं सबसे पहले गया, वाटर का कनेक्शन ढूंढा और वहाँ मिला नहीं, हालांकि वो नीचे ही था परंतु वहाँ पे कुछ था नहीं। तो मैंने उसके बाद में गया झंडे के पास में, चारों तरफ बहुत तेज धूप थी, पांव जल रहे थे, परंतु मेरी विपासा थी कि वरदान ढूंढने की, तो एक भी वरदान नहीं मिला। मैं चारों तरफ चहु दिशाएं पूरे छत पे ढूंढा, एक भी वरदान नहीं मिला। लेकिन मुझे एक निश्चय था कि बाबा ने मेरे लिए वरदान जरूर रखा होगा। तो वो जो पिलर था, पिलर का जो माथा था, मुझे लगा गलती से एक वरदान तो उसके ऊपर जरूर टपका ही होगा। तो उस तक मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रही थी, तो एक पुराना सा लकड़ी का चेयर था, मैंने उसे लगाया और मैं उसे चढ़ा और चढ़ करके ऐसे ऐसे ढूंढा, उस पर भी एक वरदान नहीं था। लेकिन उस जो पिलर का माथा था उस पर एक तार गया हुआ था कपड़े का, और उस तार के अंदर में कुछ फंसा हुआ नजर आया, वैसा लगा कुछ पत्ते की तरह फंसा हुआ है। मैं तुरंत एक सीख ढूंढा और उसे खोद खोद करके निकाला, तो उसमें एक वरदान था, और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने रूहानी वाइब्रेशन से तीव्र सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी आत्मा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है, और उस दिन से परमात्मा पे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, निश्चय हो गया। ज्ञान में चल रहा था, एक बार मुरली में मैं प्रायः मुरली शाम को आता था सुनने के लिए, और साथ में माताओं को पढ़ के भी सुनाता था। तो उस मुरली में आया कि जिस प्रकार मैं नॉनवेज बहुत खाता था, और ज्ञान में चल रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि नॉनवेज भी छोड़ना पड़ता है, तो लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मुरली में आया कि जिस प्रकार जो जानवर है, यदि जिस स्थान पे उसे गाड़ दिए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। मनुष्य को भी जहाँ गाड़ दिया जाता है उस क्षेत्र को कब्रिस्तान कहते हैं। तो फिर उस बाबा ने कहा था कि दुनिया वाले भी
जीव जंतु को काट कर खाते हैं, तो शरीर क्या हो गया? कब्रिस्तान। और मैं तो खाता था उस समय, मैंने सोचा अरे मेरा पेट कब्रिस्तान, मेरा शरीर कब्रिस्तान है। मैंने सोचा ये तो गलत बात है। मैं गया घर पे और मैंने माँ को बोला, माँ आज से मैं नॉनवेज को खाना छोड़ दिया, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर माँ ने सोचा ठीक है, ये ओम शांति जाता है, इसमें इतना बड़ा हुआ बदलाव, जो इतना खाने वाला सुबह का बना हुआ रात तक खाता था और आज बोल रहा है क्या कि मैं त्याग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, परंतु इससे आगे मत बढ़ना। तो फिर मैंने सोचा इससे आगे बढ़ना ही क्या है, तो छोड़ ही दिया ना मैं। और फिर एक बार शाम को दीदियाँ कुछ लिस्ट तैयार कर रही थी, वो लिस्ट था मधुबन यात्रा के भाई बहनों का। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी ये लिस्ट किस चीज़ का है, मेरी आई तो छोटी थी, नवीं कक्षा में था मैं। तो दीदी ने कहा कि ये लिस्ट है जो मधुबन जा रहे हैं ना, उनका लिस्ट बना रहे हैं, जो बाबा से मिलन के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा वाह, भगवान से मिलन का सौभाग्य मिल रहा है सबको। मैंने दीदी को कहा दीदी मैं भी जाना चाहता हूँ। तो दीदी ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना जाना होता है, कम से कम 6 मास का लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है। तो मैंने सोचा परमात्मा के लिए लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ रहा है, और वो भी सिर्फ 6 मास के लिए ही क्यों, यदि करना है तो जीवन भर का कर देना चाहिए। तो फिर मैं घर में गया और फिर उस समय माँ क्या वो कपड़े की धुलाई कर रही थी, और वो जो बेंत होता है ना बड़ा सा लकड़ी का, उससे पीट पीट करके धुलाई कर रही थी। तो मैं माँ को बोला, माँ आज से मैं लहसुन प्याज का त्याग कर दी। तो माँ ने वो बेंत उठाया और कहा ये देखते हो ना, इतना बेंत मारूंगी कि सारा ओम शांति भूल जाएगा। मैंने कहा माँ आज मैं छोड़ दिया तो मतलब छोड़ दिया। और 2011 में, उस समय 11वीं कक्षा का मैं छात्र था, तो बाबा मिलन का समय आया। तो मैंने कहा दीदी मैं भी बाबा मिलन के लिए जाना चाहता हूँ, अब तो मेरी धारणा ऐसी चल रही है। फिर मैं मधुबन आया और 2011 को मेरी पहली बाबा मिलन हुई शांतिवन में। फिर जब मैं पांडव भवन आया तो पांडव भवन में मैंने आते ही मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं यहाँ 3 मास की सेवा में आना चाहता हूँ। और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि 3 मास की सेवा में लोग आते भी या नहीं आते हैं, और उसके लिए क्या कार्यक्रम होता है, क्या लेटर वगैरह लेना होता है, कुछ नहीं, बस संकल्प किया मैं। और उसके बाद फिर 2012 में योग भट्टी में आया था, तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के कारण बाबा मिलन करने का सौभाग्य उस वक्त तक नहीं मिला, 2017 तक। लेकिन मैं धैर्यवत था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आगे भी बाबा हमें बुलाएंगे मधुबन में। तो 2016 को हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और 2017 को मैं मधुबन में आया सेवा में। लेकिन मैंने दीदी को कहा था कि दीदी मुझे पांडव भवन की सेवा चाहिए, लेकिन दीदी ने पहले ही बात कर लिया था शांतिवन में। तो शांतिवन में मेरी सेवा लग गई थी और मैं बाबा को हर पल कहता था कि बाबा मेरी सेवा तो पांडव भवन में आने का सौभाग्य मुझे चाहिए था, लेकिन आपने तो शांतिवन में सेवा लगा दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर में वो मतलब बहुत दुख होता था कि मुझे पांडव भवन जाना है, बस मुझे पांडव भवन जाना है। और हर पल हर सेकेंड कहता था, एक बार तो मुझे इतना गुस्सा आया बाबा पे, इतना गुस्सा आया, मैं गुस्से में बोला कि मुझे कहाँ सेवा में रख दिया, मुझे जाना है पांडव भवन, आप मुझे शांतिवन में रख दिया। और एकदम रोता हुआ मैंने बोला, तो ऐसा लगा कि बाबा मेरे पास आ गए और कह रहे थे कि बाबा बच्चे आपको सेवा में क्यों जाना है। मैंने कहा कि मुझे इसलिए सेवा करना है क्योंकि विकर्म विनाश हो और पुण्य का खाता जास्ती जमा हो। तो बाबा ने कहा कि आपका विकर्म फिलहाल जहाँ ज़्यादा खत्म हो रहे हैं और पुण्य का खाता जहाँ जास्ती जमा हो रहा है, बाबा आपको सेवा में रखे। तो मेरा थोड़ा हृदय शांत हुआ और मैं साइड सीन ऑफिस में सेवा थी शांतिवन में और मैं कर रहा था, लेकिन बीच बीच में फिर बाबा को कहता है, बाबा एक सप्ताह के लिए तो पांडव भवन आने दो, नहीं करनी है सेवा, एक सप्ताह के लिए तो आने, थोड़े समय के लिए तो आने दो, ऐसा मैं कहता था। तो लेकिन अब मेरी वहाँ सेवा की खत्म हो चुकी थी समय और मैं जाने वाला था घर। तो उसके बाद दीदियों का आना हुआ, आने का प्रोग्राम बन रहा था, जोन एचआर दीदियों की मीटिंग होती है मार्च एंड में। तो जब दीदियाँ आ रही थी तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ हो सकता है, तो मैं बाबा को हर पल कहता था। और फिर दीदियों के पास मैं गया और कहा कि दीदी अब तो मेरी सेवा खत्म हो रही है, अब मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन इच्छा है कि एक सप्ताह मधुबन में पांडव भवन में तपस्या करने का अवसर मिले। तो दीदी ने कहा कि वहाँ एक सप्ताह का नहीं, कम से कम सेवा में 1 महीना रहना पड़ता है। मैंने कहा फिर लिख दीजिए लेटर, मन मन तो यही चाहता था।
और दीदी ने जैसे ही लेटर दिया मैं बाहर निकला तो एक पोस्टर था पत्र लिखता हुआ, उस पर नज़र पड़ा और उसी समय ऐसा लगा कानों में बाबा कह रहे थे कि बच्चे यह पत्र तो बाबा ने आपको खुद दिया है और बाबा आपको मधुबन बुला रहे हैं। 2018 में भी मैं आया था पांडव भवन, तो ज्ञान में तो मुझे बाबा में मुझे पूर्ण विश्वास था, परंतु ज्ञान में मुझे संशय था। क्यों? मैं हिस्ट्री हॉल में जाता था और मैं सोचता था इस बूढ़े तन में भगवान आया और भगवान आकर के यहाँ ज्ञान सुनाया, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा संशय, और इतना संशय वो भी पांडव भवन में। मुझे सर में दर्द होने लगता था सोचते सोचते कि ऐसा क्यों है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा मैं शशि दीदी से पूछता हूँ, वो तो और पुरानी है, वो और अच्छे से बता पाएंगी, संदेशी भी हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे किसी भी देहधारी से नहीं पूछना है, मेरे प्रश्न का उत्तर केवल और केवल परमात्मा को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही आता है ना, कैसे आता है उन्हें ही बताना पड़ेगा, चाहे जैसे भी उनको बताना ही पड़ेगा। मैंने मेरा ये दृढ़ संकल्प था, और जैसे ही मैं आंगन से क्रॉस किया तो ऐसा लगा कि शांति स्तंभ से बाबा मुझे खींच रहे हैं, और मैं शांति स्तंभ पे बैठ गया। जैसे ही बैठा ऐसा लगा कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के सीधा वतन बुला लिया, और जैसे ही मैं वतन गया तो देखा कि ब्रह्मा बाबा एकदम मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं और उनके समक्ष हजारों ब्रह्मा कुमारियां हैं और सबके हाथों में अव्यक्त वाणी है। तो शिव बाबा ने हमें कहा कि बताओ बच्चे इनके हाथों में किनकी वाणी है। मैंने कहा बाबा हमें नहीं मालूम इनके हाथों में किनकी वाणी है, क्योंकि संशय था। तो फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मस्तक में प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया आंखें खुली और मुख उच्चारण करने लगा, बाबा के महावाक्य चलने लगे। जैसे ही महावाक्य चलने लगे बाबा जो जो पंक्तियाँ बोल रहे थे त्यों त्यों जितनी सारी ब्रह्मा कुमारियों के हाथों में जो वाणी थी वहाँ वहाँ लाइट का होता जा रहा था, एकदम लाइट। बाबा जहाँ बोल रहे थे वो लाइट का, सारी मुरलियाँ जगमगाने लग गई। आप जरा इमेजिन कीजिए वो दृश्य कैसा होगा। फिर बाबा ने हमें कहा कि बताओ बच्चे अब इनके हाथों में किनकी वाणी है। मैंने कहा बाबा ये तो बस आपकी वाणी है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, जब मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो मैं भी होता हूँ और ब्रह्मा की भी आत्मा होती है, वाणी मेरी चलती है, उदाहरण ब्रह्मा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा अनुभवी रथ हैं। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव था। उस दिन से मुरली पर, और बाप पे तो संशय नहीं था लेकिन मुरली पर था, वो खत्म हो चुका। फिर उसके बाद 2019 में मुझे मधुबन आने का भाग्य नहीं प्राप्त हुआ, परंतु 2019 के अंत तक मैं सोच रहा था कि मुझे मधुबन जाना है और मुझे मधुबन में सेवा करनी है, ये संकल्प था और बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और साथ ही साथ यह भी अंदर में यह टचिंग आ रही थी कि दादियाँ जाने वाली हैं, तो मैं बाबा को बार बार कहता था कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए जब तक मधुबन में पहुँची नहीं कोई भी दादी शरीर नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था कि मेरी जो है ना दूसरे नंबर की भाईजी हैं उनकी शादी का था, तो मैंने बाबा को स्वयं पूछा था कि ये जिम्मेवारी मुझे करना चाहिए, अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर बाबा ने इशारा किया था कि घर की जिम्मेवारी आपको पूरी करके जानी चाहिए। उसके दूसरे दिन के बाद ही मैंने टिकट बनाया था, पूरा कोशिश किया लेकिन टिकट मिला ही नहीं। जो वहाँ की जो ट्रेन होती है फॉरिशगंज से दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर आबू रोड आती है, तो दिल्ली तक का टिकट नहीं मिला और दिल्ली से आबू का वेटिंग टिकट मिला था, मेरे पास टिकट नहीं था। फिर दीदियाँ कह रही थी कि आपके पास तो टिकट नहीं है, आप कैसे जाएंगे मधुबन। मैंने कहा दीदी मुझे बाबा बुला रहे हैं, मुझे जाना ही है। तो जब मैं अपना बैग वगैरह ला के रख दिया सेंटर में, फिर दीदियों के जब बैग उठे साथ में हमारे ही बैग उठे, मैं खुश हो गया। जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो एक भाई दौड़ा दौड़ा आया और वो कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, यदि हो सके तो आप टिकट मत बनाइए, मेरा टिकट ले लीजिए। और मेरा टिकट रिजर्व, उन्होंने कहा कि मेरा टिकट कन्फर्म है, वो भी रिजर्वेशन में है। तो सब में इतना आश्चर्य हो गए कि वाह बाबा ने तो कमाल कर दिया है ना, हमारे पास टिकट नहीं था परंतु उसके टिकट पर मैं आ गया दिल्ली, और फिर दिल्ली से जो टिकट वेटिंग में था वो भी कन्फर्म हो गया, फिर मैं आराम से मधुबन पहुँच गया। और हमारी आदरणीय जो भी दीदियाँ थी वो बात कर चुकी थी मीडिया ऑफिस में, और सभी का प्रेशर था कि आप शांति वन में ही सेवा करें, ये तो धर्म संकट जैसा बन गया। मैंने बाबा को फिर कहा कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे एक तस्वीर पर नज़र पड़ी और ब्रह्मा बाबा ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं समझ गया नीचे तो शांति वन है, ऊपर पांडव भवन है, बाबा ऊपर की तरफ इशारा का मतलब जाना ही पांडव भवन है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने संकल्प लिया अब चाहे जितना भी लड़ना पड़े है ना, ये तो धर्म संकट है भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे अब पांडव भवन ही जाना है। तो मैंने दीदियों को कहा कि दीदी बस मुझे पांडव भवन ही जाना है। तो दीदी ने फिर लेटर दे दिया। अब जब लेटर मिला
तो फिर जिस दिन मैं 14 मार्च को पांडव भवन पहुंचा, रात को 8 बजे पहुंचा था, उसी दिन गाड़ियां बंद हो गई, उसी दिन, है ना, 20 मार्च, क्योंकि कोरोना जो फैल रहा था ना, उसके ही कारण गाड़ियां बंद हो गई। और सभी, जब मैं आया तो सभी कह रहे थे, आदित्य आप तो भाग्यशाली हैं, आप आए और उसके बाद गाड़ियां ही बंद हो गई सारी, शांतिवन से कोई आ ही नहीं सकते पांडव भवन। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा, मालूम पड़ा कि दादी जानकी जी एडमिट हो चुकी थी, और मुझे तो पहले से ही टचिंग थी कि दादियाँ जाने वाली थी और मैं मधुबन पहुंच चुका था, तो ये हृदय में था कि कोई भले जाए श्रद्धांजलि अवश्य दे सकूंगा, परंतु यह अशुभ संकल्प करना ही मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन मैं बार बार संकल्प कर रहा था कि दादियों की लंबी उम्र हो। और फिर मेरा एक भाई है जो दादी की सेवा में रहता था, मैं उनसे पूछा कि क्या हाल खबर है दादी का, उन्होंने कहा दयनीय स्थिति है, आपको तो मालूम है उम्र काफ़ी हो चुकी है। मैं समझ गया, अमृत वेले बाबा की कुटिया की तरफ जा ही रहा था, उस समय अनाउंसमेंट हुआ 4 बजे कि दादी जी नहीं रहे। मैं उसी समय मन ही मन कुटिया में जाकर दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, और सुबह 9 बजे दादी जी के पार्थिव देह को पांडव भवन के आंगन में लाया गया और शांति स्तंभ पर ले जाया गया, जिस दादी को दूर दूर से जो भी दादी को चाहने वाले थे ब्रह्मा वत्स, वो दादी जी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ पा रहे थे। भले ही सूक्ष्म रूप में आ रहे थे, परंतु स्थूल रूप में जो आने की इच्छा थी वो नहीं आ पा रहे थे, परंतु जो मेरा जो संकल्प था और मैं दादी जी को नज़दीक से श्रद्धांजलि दे पाया, तो ये मेरा अहोसौभाग्य था। तो मुझे बहुत खुशी है जो आप सब दिव्य आत्माओं के समक्ष में हूँ, तो ऐसे आदि शक्तियों को और पांडव सेना को मेरा बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। कृपया एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह व्हाट्सएप नंबर केवल अनुभव के लिए दिया जा रहा है। आपसे फिर से हम अनुरोध करते हैं कि इस पर कॉल ना करें और ना ही अपनी समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न इस पर पूछें। कुछ भाई बहन लगातार इस नंबर पर कॉल करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें और कॉल ना करें। हमारे पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मज़ेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।